तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर। आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर। यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।